आज आपके लिए सर्दियों की स्पेशल ताकतवर पीने की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर किसी को भी थकान कमजोरी फील होती है, कंप्यूटर के सामने दिन भर बैठे रहते हैं, आँखों में दर्द, किसी को पुराना दर्द जैसे घुटनों का दर्द, कमर दर्द ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये पीने क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा आराम भी मिलेगा। तो चलिए इसको बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आशा करती हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आते हो। वीडियो को लाइक शेयर मोनाल्स किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ इसे बनाने के लिए मैंने आधा कप देसी घी लिया है। ग्राम से बोलो तो ये 150 ग्राम के करीब घी लिया है। अभी इसमें से ही थोड़ा घी इस रेसिपी में यूज करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है, बस इसमें आधा कप बादाम डाल देंगे। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक तो इसको घी में फ्राई करेंगे तो इससे शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी, साथ ही इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देसी घी खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसको हेल्दी फैट माना जाता है, साथ ही हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अच्छे डाइजेशन के लिए भी ज़रूरी है, हड्डियों को भी मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बादाम भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, हमारी स्किन को स्मूथ करते हैं। स्किन आपकी ड्राई है तो बादाम ज़रूर खाने चाहिए। अभी बादाम को निकाल देंगे, उसी घी में 1/4 कप काजू भी रोस्ट कर लेंगे। काजू खाने से बोन की ग्रोथ अच्छे से होती है, साथ ही माइंड शार्पर यानी दिमाग बहुत ही तेज़ होता है। बच्चों को काजू जरूर देने चाहिए, साथ ही डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है, शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है। काजू भी अच्छे से भून के लिया है। अब इस पे थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे, क्योंकि गोंद फ्राई करने के लिए थोड़ा सा घी आपको ज़्यादा चाहिए। अब इसमें आधी गोंद डाल देंगे। सारी गोंद एक बारी में नहीं डालेंगे, क्योंकि फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है और इसको घी की ज़रूरत लगती है। इसको लगातार चलाते रहेंगे, गोंद की तासीर गर्म रहती है। आप इसे सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए और ये किक्कर की गोंद है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। स्पेशली न्यूली मदर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। न्यूली मदर के लिए अंदर जो कमज़ोरी वीकनेस फील होती है, अगर ये वो इस तरह के लड्डू खाते हैं तो उन्हें कमज़ोरी में बहुत ही आराम मिलता है। साथ ही ये मांसपेशी को भी मजबूत करता है। ये लड्डू आप बच्चों को बड़ों को सभी के लिए लड्डू बहुत ही फायदेमंद होता है। अब देखिए गोंद अच्छे से फ्राई हो गई है, अब इन्हें निकाल देंगे। बाकी की गोंद हमें इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ दूसरी बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी उसी कढ़ाई में आधा चम्मच घी डाल देंगे, उसी घी में वाटरमेलन सीड्स यानी तरबूज के बीज अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साथ ही हमें किशमिश को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आप ध्यान रखिए गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम ही रखना है। जो तरबूज के बीज यानी वाटरमेलन सीड्स, वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, साथ ही इम्यून सिस्टम को भी अच्छे करते हैं, हड्डियों को भी मजबूत करते हैं। साथ ही में जो किशमिश है उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन बहुत पाया जाता है। किशमिश किसी भी सीजन में आप खा सकते हैं, गर्मी में आप इसको भिगो कर खाएं और सर्दियों में आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। और ये देखिए कुछ ही सेकंड में दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई है, बस इसे निकाल देंगे। कढ़ाई में फिर से एक चम्मच घी डाल देंगे और 2 कप मखाने, इनको भी लो टू मीडियम फ्लेम पर भून के लेंगे। मखाने खाने का बहुत सारे फायदे हैं। या तो आपकी शारीरिक कमजोरी होती है या थकान कमजोरी जैसा फील होता है तो आपको मखाने ज़रूर खाने चाहिए, या तो आप रोज़ाना इसको रोस्ट करके दूध में डाल के भी खा सकते हैं। और देखिए 3-4 मिनट में हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून के लिया है। अब उसी कढ़ाई में 1 कप सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। आप इसी नारियल का यूज़ करेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट जो आता है उसका यूज़ ना करें, क्योंकि उसका ऑयल निकाला हुआ होता है और सूखा नारियल जो होता है उसमें अपना ऑयल काफ़ी होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और सूखे नारियल में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं कि ये उसमें इम्यून सिस्टम के साथ साथ अपने हार्ट हेल्थ को भी बेहतर करते हैं। और ये देखिए कुछ ही सेकंड में नारियल भी अच्छे से भून के हो गया है, अभी इसको भी निकाल देंगे। अब इसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ सूजी को भून के लेना है। हम यहाँ थोड़ा ज़्यादा घी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 1 कप सूजी ली है। ग्राम से बोलूँ तो 150 ग्राम के करीब मैंने यहाँ सूजी ली है। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भून के लेंगे। मैंने इस पिन्नी को सूजी के साथ बनाया है, आप इसे आटे के साथ भी बना सकते हैं। सूजी कोलेस्ट्रॉल कम करती है, साथ ही वेट लॉस में भी मदद करती है, साथ ही इसे आयरन ज़्यादा पाया जाता है। सूजी फ्राई हो रही है, तब तक हमने जो सभी चीज़ें भून के रखी थी सभी चीज़ों को ग्राइंड करके लेंगे।
पहले हम बादाम और काजू को ग्राइंड करके लेंगे। एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, खाली दरदरा पीस के यहाँ हमें लेना है। ये देखिए काजू बादाम की पेस्ट यहाँ तैयार कर लिए है। ये देख सकते हैं आप, इसका फाइन पाउडर मैंने नहीं बनाया है, काफी दरदरा पीस के यहाँ मैंने लिया है। काजू और बादाम को जो दरदरा पीस के हमने लिया था वो एक बाउल में ट्रांसफर करके लेंगे। ये गोंद की हमें यहाँ फाइन पाउडर ही बना के लेनी है। गोंद को भी अच्छे से पीस के लिया है, अभी उसे बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। मखानों को भी हमें यहाँ पीस के लेना है, इसका भी दरदरा पाउडर बना के लेना है। अभी इसको भी बर्तन में ट्रांसफर करके लेंगे। आप भी ज़रूर बना के देखिए, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही फायदेमंद है आपके हेल्थ के लिए। तो पाउडर हमने बना के लिया है, कुछ चीज़ें हमें साबुत भी डालनी है। तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन के सीड और किशमिश को हमें ऐसे ही डालना है। नारियल को कद्दूकस करके हमने जो फ्राई कर लिया था इसी पे हमें ऐसे ही डालना है। आप चाहो तो इसको मिक्सी में से पीस के भी ले सकते हैं। अभी सभी चीज़ों को मिक्स करके लेंगे। अभी देखिए सूजी भी अच्छे से 15 मिनट मैंने लगभग भून के लिया है। देखिए कलर भी काफ़ी गोल्डन हुआ है, इससे ज़्यादा हमें भून के नहीं लेना है। अभी गैस को भी बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। सूजी को हमने भून के लिया था, वो भी ठंडा हो गया है। अभी उसी बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। अभी गैस पे एक कढ़ाई या पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे 150 ग्राम गुड़। कप से नापेंगे तो 3/4 कप मैंने यहाँ गुड़ लिया है। अभी इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा घी इसमें डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ घी का यूज़ नहीं करूँगी तो इसलिए मैंने यहाँ पानी डाल दिया है। और आप इस शेल्फ लाइफ की बिल्कुल चिंता ना करें, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है। आप चाहे तो तकरीबन 1 हफ्ते के लिए कम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। गुड़ को यहाँ ज़्यादा पकाना नहीं है, कोई हमें यहाँ तार बनानी है। बस इस गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट होने तक, अच्छे से एक उबाल आने तक इसको मेल्ट करके लेना है। ये देखिए गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इस गुड़ के मिश्रण को मिक्सिंग बाउल में छानकर डाल सकते हैं या ऐसे ही आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ ड्राई फ्रूट और सूजी का जो मिश्रण बना के लिया था उसमें डाल देंगे। गुड़ को छानकर डालने से जो गुड़ में इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाती है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे और इन सभी चीज़ों का मेजरमेंट यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और आप इसे इजीली बना सकते हैं बिना किसी गलती से। अभी मिक्स कर दिया है और जो मैंने साबुत यहाँ ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और फिर से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और पहले हाथ के बीच में प्रेस करके इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और ये देखिए इस तरह से सारी पिन्नी हमने रेडी कर ली है। ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है और इसे बच्चे बड़े भी आसानी से खा सकते हैं। एक पिन्नी सुबह आप गर्म दूध के साथ खाएं, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए और उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आते हो। वीडियो को लाइक शेयर मुनाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नहीं तो आप यहाँ बेसन